नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। बंशीधर नगर प्रखंड के अंतर्गत गरबांध पंचायत ब्राह्मणी भुइया टोला में शौचालय निर्माण में घटिया किस्म का बालू का प्रयोग किया जा रहा है। शौचालय निर्माण में बालू की जगह मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। जिस तरह से सरकार के द्वारा ODF करने का मिशन चल रहा है, इस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जिला को शौच मुक्त ODF घोषित करने के चक्कर में शौचालयों को जल्दबाजी में पूर्ण करने में गुणवत्ता से खिलवाड़ किया जा रहा है। शौचालय बनने के साथ ही बिखर जाएगा। शौचालय के गड्ढों में लगने वाले ढक्कनों का निर्माण भी ढंग से नहीं किया जा रहा है। सरकार के द्वारा जिले को शौच मुक्त करना है, जबकि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक लाभुक को 12,000 शौचालय निर्माण के लिए दिए जा रहे हैं। मालूम हो कि गरबांध पंचायत में कुल 917 शौचालयों का निर्माण होना है। इसमें लगभग 819 शौचालयों का निर्माण मुखिया व जल सहिया के द्वारा कराया जा रहा है। मालूम हो कि अभी भी प्रखंड के अन्य पंचायतों के ग्रामीण खुले में शौच करने को मजबूर है। विधायक प्रतिनिधि लाल मोहन यादव ने बताया कि 20 सूत्री की बैठक में गरबांध पंचायत के शौचालय निर्माण में गड़बड़ी का मामला उठाया गया था, लेकिन वीडियो के द्वारा कुछ भी जांच नहीं की गई। इस संबंध में मुखिया सोहन उराव ने कहा कि हम बाहर में चले गए थे कि ठेकेदार के द्वारा बालू गिराया गया है, मगर इस बालू से शौचालय का काम नहीं किया जाएगा। जब बालू शुरू होगा तो शौचालय का काम किया जाएगा। उसे बंद हो गया था, हम बाहर में चले गए थे और ठेकेदार के बोले थे कि बालू अच्छी से टावा नदी से लाइए, तो कहीं जंगल से उठा के है बालू बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा रंग के चोर है, कहीं की बात नहीं। उसको देखते हैं पूरे, उसको हम लोग अथी बंद कर देंगे। जब आदेश होगा बालू का तब काम चलेगा, फिर बंद किया जाए कर देंगे। अमित कुमार ने कहा कि गरबांध पंचायत में शिकायत मिली है कि बालू की जगह मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। इसकी आवश्यक जाँच कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गरबांध पंचायत में अभी जो शिकायत मिल रही है कि बालू के जगह में मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है, इस संबंध में आवश्यक जांच की जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। धन्यवाद।